नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम एक और नई नर्सिंग वैकेंसी लेके आए हैं, उसको शुरू करूँ इससे पहले एक बार बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो चैनल पर हम सभी नर्सिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स इस पर डालते रहते हैं। और सबसे पहले आपको मिलेंगे, जो भी वैकेंसी आती है, जो भी नए नोट्स मिलते हैं, वो सब इस पर सबसे पहले मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट ने निकाली है। तो ये ECHS डिपार्टमेंट है, उसने नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है। और हाँ, आप यदि GNM है या BSc नर्सिंग है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये आपका जो 9 नंबर है वो नर्सिंग असिस्टेंट है, उसमें GNM डिप्लोमा चाहिए या फिर BSc नर्सिंग भी चल सकता है। 5 साल का एक्सपीरियंस आपको मिनिमम मांगा है। यदि आपका डिप्लोमा है और एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है तो ठीक है, यदि आपका डिग्री है तो भी आपका एक्सपीरियंस 10 साल का चाहिए उसके लिए। और 70 जो डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स है वो देख सकते हैं आप। और 70% रिजर्वेशन रहने वाला है एक्स सर्विस मैंस का, और इसकी सैलरी रहने वाली है 28,100। फ्रेंड्स, निराश मत होइए, 70% उनको दिया है तो 30% आपका भी चांस वहाँ पर बनता है यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्या क्या इसका जो एज रहने वाला है। एज आपके लिए 53 मैक्सिमम रहेगा, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा ये, ठीक है। वर्किंग आवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी स्टाफ के लिए 8x6 मतलब 6 दिन करवाएंगे, आपको 8-8 घंटे की ड्यूटी रहेगी पर वीक बता रहा हूँ मैं। और लीव है वो GH रहेगा, संडे मिलेगा, उसके अलावा 30 डेज का लीव 1 ईयर में मिलेगा बिल्कुल। और टर्मिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 मंथ का नोटिस दोनों साइड से, यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो भी आप 1 महीने का नोटिस दे के छोड़ सकते हैं, और यदि वो आपसे आपकी सर्विस को टर्मिनेट करते हैं तो वो भी आपको 1 महीने पहले टर्मिनेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छा मौका है आपके पास, एक बार फिर से नई वैकेंसी मिलती रहेगी आपको इसी प्रकार से, और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। फ्रेंड्स, ये परफॉर्मर रहने वाला है जो आपको फिल करके देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी अपलोड कर दूँगा थोड़ी देर में। धन्यवाद।